मोदी जी ने कहा था कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, युवाओं के हाथों में एंड्रॉयड पकड़ाना है, लेकिन डिजिटलाइजेशन इतना जल्दी इतना सफल होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब इसी डिजिटलाइजेशन का कमाल देखिए कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव इतना डिजिटल होने वाला है कि शायद उसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी अपना माथा पीटने लगेंगे। मोदी जी का अमेरिका में हाउडी मोदी नामक एक कार्यक्रम हुआ था, आपको याद आया हो तो याद कीजिए कि कितना भव्य व्यवस्था था वहाँ। लेकिन अगर हम कहें कि उससे भी भव्य होने वाला है बिहार चुनाव तो आपको कैसा लगेगा? आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं नीतीश जी के ऐप से। नीतीश कुमार की पार्टी ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो अलग अलग गांव और जिलों के 10 लाख लोगों को 30 सेकेंड के अंदर जोड़ सकता है। लोग jdulive.com पर भी इस भाषण को सुन सकते हैं, यानी कि अब जाकर डिजिटल भारत का समुचित उपयोग हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक भारत की राजनीति में किसी ने इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। इससे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार अब अमेरिका के बराबरी में आ गया है, और किसी मामले में नहीं तो कम से कम चुनावी खर्चे में तो बराबरी कर ही रहा है, इतना काफी भी है। वैसे भी केसी त्यागी जी बोल चुके हैं कि अमेरिका में अगर कोरोना के बीच चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। ऐप को लॉन्च किया है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। सरकार से बाढ़ भले ना रुका हो, लेकिन चुनाव प्रचार से कोई समझौता नहीं हो सकता है। मोदी जी के नमो ऐप से भी बेहतर बताया जा रहा है नीतीश जी का ये ऐप। कहा जा रहा है कि लोग इसमें अपनी बात लिख भी सकते हैं, लेकिन नमो ऐप में इस तरह की सुविधा नहीं थी। वहीं इसकी कैपेसिटी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जदयू की सहयोगी भाजपा का। भाजपा तो नीतीश जी से भी एक कदम आगे है। भाजपा के तरफ से हर विधानसभा सीट के लिए एक एक रथ तैयार किया गया है। इसी रथ पर सवार होकर प्रत्याशी चुनाव प्रचार करेंगे। मंच और लाउडस्पीकर की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें इन सारी चीजों की व्यवस्था कर दी गई है। रथ पर एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन भी लगाया गया है। इससे पहले वाला वर्चुअल रैली तो हम सब ने देखा ही है। दरअसल संसाधन की कमी खाली बिहार में आए बाढ़ और बीमारी के लिए है, वरना चुनाव प्रचार के लिए तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी लाया जा सकता है। अब भाजपा के रथ पर जो पोस्टर लगा है उस पर लिखा नारा भी सुन लीजिए, भाजपा है तैयार आत्मनिर्भर बिहार। अब पता ना और कितना आत्मनिर्भर बनाएंगे बिहार को। बाढ़ और बीमारी से निपटने में तो बिहार पहले से ही आत्मनिर्भर हो चुका है। चुनाव में कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क बनाने के लिए पंचायत तथा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेगी। कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से आदेश मिल चुका है कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करें और हर बूथ स्तर पर वर्चुअल रैली को लेकर कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के लिए जितना तेजी से रथ, पोस्टर, एलईडी डिस्प्ले, इन सारी चीजों का इंतजाम होता है, काश बाढ़ के समय बांध के मरम्मत का, सुखाड़ के समय खेतों में पानी का, बीमारी के समय अच्छे अस्पतालों का भी इंतजाम हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। वैसे इस बार बिहार चुनाव में लोगों को बड़ा बड़ा रैली और हेलीकॉप्टर इन सब का बहुत याद आएगा, क्योंकि कोरोना के चलते बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित नहीं होंगी। कोरोना के मद्देनजर ही पार्टियां इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। वैसे भी सोशल मीडिया आजकल चुनावों में हार जीत का बड़ा फैक्टर होता है, और इसका फायदा भी सारी राजनीतिक दल उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लाखों लाखों का फेसबुक कैंपेन चुनाव से ठीक पहले पार्टियों द्वारा चलाया जाता है। हर पार्टी आज अपने आईटी सेल को मजबूत करने में लगी हुई है, और इसके लिए भी लाखों लाखों लुटाया जा रहा है। ये बात तो हम पहले ही बोले हैं ना कि संसाधन का कमी केवल आम लोगों के लिए है, चुनाव प्रचार के लिए नहीं। आगे आगे देखते जाइए बिहार चुनाव में अभी और क्या क्या प्रयोग हो रहा है। जाते जाते ये भी बता दूं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से अब तक कुल 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी का लड़ना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। वहीं बसपा ने भी ऐलान कर दिया है कि वह पूरे 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये पार्टियां अकेले चुनाव जीतने में कामयाब तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी दूसरे का खेल बिगाड़ जरूर सकती है। खैर, ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि बिहार का चुनाव इतना हाईटेक तरीके से हो रहा है कि हम इस मामले में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। आज जीतन राम मांझी भी NDA का दामन थामने वाले हैं। सीट को लेकर भी शायद तस्वीरें कुछ साफ हो सकती है। वैसे मांझी जी का साफ कहना है
कि वो एनडीए में बिना किसी शर्त के शामिल हो रहे हैं। मतलब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीट कम भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं। मांझी जी को चुनाव बाद राज्यसभा भेजे जाने की भी खबर है। इधर मांझी जी गठबंधन धर्म निभाते हुए तेजस्वी को अयोग्य भी करार दे दिए हैं। तेजस्वी की तुलना अपने बेटे से कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप? आप लोग इतना तो समझ ही जाते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात ध्यान देने वाला है कि मांझी जी बार बार ये कह रहे हैं कि उनका गठबंधन जदयू के साथ हुआ है और जदयू एनडीए का हिस्सा है, इसलिए वो भी एनडीए के साथ है। आगे वो बोल रहे हैं कि नीतीश को पार्टनर मान के हम काम करते रहेंगे। आगे आगे जो भी खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।